अगर आप इन बातों को गौर करें, आप सरकार के ऊपर में देखें, खुद सरकार ने कही कि महीने में 750 रुपया हम रेंटल देते हैं, और साल में अगर आप जोड़ के देखें तो एक मशीन पर 9000 रेंटल पर टैक्स हो गए, 5 सालों में 45,000। सरकार खुद कह रही है कि 24,000 एक मशीन का, और पूरे मशीन को खरीदे तो 78 करोड़ रुपया मात्र लगेगा टैक्स में। मैं कह रहा हूँ शुरुआती दौर से, गौर करें मंत्री जी, कि शुरुआती दौर में भी अगर आप खरीद लेते तो मात्र 78 करोड़ रुपया ही खरीद में आपको लगता, और अगर आप रेंटल के रूप में भाड़े के रूप में 250 करोड़ का भुगतान किए, जिस मशीन का दाम 78 करोड़ था टैक्स में, उस मशीन का आपने भाड़ा दिया 250 करोड़, और भाड़ा का मतलब ये हुआ कि कार भी यदि हम लोन पर लेते हैं तो कार का पूरा दाम और सूद सहित हम देते हैं। अगर हम ये 78,000 का भुगतान सूद सहित भी 6-7% करते हैं तो 100 करोड़ होता है, तो मतलब 100 करोड़ से अधिक नहीं आता, तो सरकार 250 करोड़ का भुगतान कर दी और कह रही है कि हम कम भुगतान किया। आपने कम नहीं किया है, आपकी सरकार ने जो एग्रीमेंट किया, ठीक है, पिछली सरकार ही थी, उस सरकार ने बड़ा इसमें घपला किया है, ये बात आपको माननी होगी, पहली बात ये। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रेंटल भुगतान की अभी बात कह रहे हैं, इन्हें केवल हम भाड़े पर दे रहे हैं, और भाड़ा हमको नहीं देना होगा, केवल सर्विस चार्ज देना होगा। क्या इसमें कंपलसरी है कि जिस कंपनी से आपने इस मशीन को लिया है, ई पॉस मशीन, क्या उसी से सर्विस चार्ज कराना होगा? अगर नहीं है तो फिर ग्लोबल टेंडर में सरकार क्यों नहीं गई कि भाई हम सर्विस दूसरे से भी करा सकते हैं? और आपकी जो मशीन है, आज मशीन वो 2G है, अभी देख आप मान्य सदस्य, मेरी बात मान्य सदस्य, आप क्या चाहते हैं? आप पहले मेरी बात तो सुन ले। हाँ। कि भाई अभी ये मशीन 2G है, अध्यक्ष महोदय, कई जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को पैर पर चढ़ के अपना लिंक लेना होता है, कई लोगों को पहाड़ पर लेना होता है, और कई उपभोक्ता आ जाते हैं तो कहता है कि नहीं, लिंक आज नहीं है, जिस दिन आ गया उसी दिन उसका पर्ची मिल जाता है अध्यक्ष महोदय, ये सारी त्रुटियां है इसमें। इसलिए मेरा आग्रह यही है कि अगर इसमें मान्य सदस्य, आप मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, आप लोग अपने आसन पर जाए, सदन नेता खड़ा है, सदन नेता खड़ा है, आप लोग अपने आसन पर जाए, आप लोग आसन पर जाए, आप लोग पढ़िए। चलिए आसन पर चले, मान्य सदस्य आसन पर, नहीं पहला सवाल उल्टा है, सवाल पॉस मशीन का है। भानु जी, मान्य सदस्य ध्यानाकर्षण की सूचना है पॉस मशीन पर, तो उनको बोलने दीजिए। पानी पी लीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। अध्यक्ष बोलिए, आपने हमें माननीय सतदेव यादव जी का जो सवाल है उस पर मुझे जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का जो आप बैठिए तो ये अन्य सदस्य बैठिए तो इस चिंता से हम भी वाकिफ हूँ। अध्यक्ष महोदय, वो मशीन 2G की मशीन है अध्यक्ष महोदय, भाड़े में लिया गया अध्यक्ष महोदय, और मशीन के समतुल्य उस पर रेंट भी दिया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे संज्ञान में है, और ये 2G से 4G में कन्वर्ट करने का प्रक्रिया की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और मशीन भी सरकार अब अपना रखेगी अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सर्विस के लिए नए रेंडर तला से किया अध्यक्ष महोदय। कोरोना का प्रयोग था अध्यक्ष महोदय, उस समय प्रक्रिया बहुत सारी चीजें रुकी हुई थी, अभी सरकार समय के लिए अध्यक्ष महोदय उसी वेंडर के माध्यम से उसका रखा, उसका मेंटेनेंस का अभी उसको आगे टेंडर दिया गया अध्यक्ष महोदय, बहुत टाइम भी आने वाला समय में चीजें सरकार पूरी तरीके से रखी भाई करेगी।
भी अपनी लाएगी और नई एजेंसी के साथ उसका वितरण करते हैं।